नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। क़याम पाकिस्तान से कबल नौ आबादियाती हिंदुस्तान में शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सदाए कलंदराना गूंजी और एक खाबिदा कौम को अपनी मंजिल का सुराख मिल गया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने अपने तालीमी सफ़र की इब्तदा सिर्फ नौ तालिब इल्मों से की, लेकिन डॉक्टर लाइटनर और उनके रफ़का की शबाना रोज कोशिशों के नतीजे में तालिब इल्मों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हो गया। 1871 में जगह की किल्लत की वजह से कॉलेज की इमारत को अनारकली के करीब एक कुशादा बंगले में शिफ्ट किया गया। 1873 में इसे रहीम खान की हवेली में मुंतकिल कर दिया गया, जो ज़्यादा कुशादा जगह थी। कॉलेज की मौजूदा इमारत की तामीर अक्टूबर 1876 में पाए तकमील को पहुंची तो कॉलेज को नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के ऐन कल्ब में मौजूद ये इमारत माल रोड और लोयर मार्ग के संगम पर वाकई है। इसके एक जानब पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस, दूसरी जानब कचहरी चौक और चंद मिनट की मुसाफत पर दाता गंज बख्श का मज़ार वाकई है। मौसम और माहौल से मुकम्मल मुताबिकत रखने वाली इस नफीस और दीदा जेब इमारत को सेलेस्टियल गोथिक तर्ज तामीर का शाहकार करार दिया जाता है। इसका बुलंद क्लाक टावर जो स्काई लाइन को वकार और मतानत बख्शता है, इस इमारत का नुमाया तरीन हिस्सा है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की इमारत को कदरे फासले से देखें तो जैसे किसी मुसव्विर ने जलाल और जमाल को तस्वीर कर दिया हो। कॉलेज की इमारत को रनाई बख्शने में इसकी ओवल ग्राउंड का अहम किरदार है। क्लाक टावर और मरकजी इमारत के पेश मंजर में मौजूद ये कुशादा ग्राउंड 144 साल से जायद अरसे से तलाबों को तफरीह, खेल और बाहमी राबतों की उस्तवारी का जरिया चला आ रहा है। तलाबा की जहनी और जिस्मानी सलाहियतों में निहार इसी ओवल ग्राउंड का बरहूनी मिन्नत है। दूर तक जाते नफीस सुतून और मेहराबें तरतीब के हुस्न का मबहूत कुन तासुर पेश करते हैं। बरसों बाद जब कॉलेज में तौसी की ज़रूरत महसूस हुई तो न्यू केमिस्ट्री ब्लॉक और न्यू साइंस ब्लॉक की इमारत तामीर की गई। इनकी तर्ज तामीर को कदीम गोथिक तर्ज तामीर से हम आंग रखा गया। मेन कैंपस की इमारत में कदामत के साथ जिद्दत का हुस्न भी मौजूद है। बुखारी ऑडिटोरियम से ज़रा आगे न्यू पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक इसी जिद्दत की नुमाइंदा इमारत है। तलबा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की तामीर का फैसला किया गया है, जिसके लिए काला शाह काकू के करीब 264 एकड़ अराजी हासिल कर ली गई है। कॉलेज का लोगो और इसका मोटो करिश टू नो कॉलेज के लिए रहनुमा असूल की हैसियत रखता है। GCU में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि दौरान तालीम तलबा के रुझान, जहनी रवैयों और सामाजिक किरदार को करिश टू नो के हकीकी मानों से मुकम्मल तौर पर हम आम किया जाए। करिश टू नो इमैनुअल कांट, जो कि फलसफादानों में सबसे बड़े फलसफादान थे, उनका ये कहना है कि ये है मोटो ऑफ एनलाइटनमेंट। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में महज अच्छी तालीम की फराहमी पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि तालिब इल्मों के किरदार साजी को अव्वलियत दी जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दरख्शां तालीमी रवायात के क्याम में इसके असातिज़ा और प्रिंसिपल हज़रात का बहुत बड़ा किरदार है।
ان میں انگریز ماہرین تعلیم کے علاوہ مقامی اساتذہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کے قدیمی روایات کو جدید تعلیمی رجحانات سے ہم آہنگ کر کے کالج کے تعلیمی معیار کو قابل رشک بنا دیا۔ کالج کے سربراہوں اور اساتذہ میں اگر ایک طرف جی ڈبلیو لائٹنر، ٹی سی لوئس، ڈبلیو بیل، ایس رابنسن، اسٹیفنسن، اے ایس ہیمی، ڈینن کلیف اور ای ڈیکنسن جیسے غیر ملکی اسکالر شامل ہیں تو دوسری جانب جی ڈی سونتھی، مولانا محمد حسین آزاد، یو کرامد، سراج دین، ڈاکٹر محمد اجمل، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، سید امتیاز علی تاج اور ڈاکٹر نذیر احمد جیسی مقامی علمی شخصیات نے بھی کالج کے در و دیوار پر بہت گہرے نقوش چھوڑی ہیں۔ ان کے علاوہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا، احمد شاہ بخاری، المعروف پطرس بخاری اور موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد آفتاب ان اساتذہ کرام میں شامل ہیں جنہیں اسی کالج کی فضاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جی سی یو کی عظیم و قدیم روایات کے سائے میں پروان چڑھنے والوں میں قائدانہ صلاحیتوں کا پیدا ہونا فطری امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالج نے ایسی نسلوں کو پروان چڑھا ہے جو مختلف شعبوں میں قائدانہ کردار کی حامل ہیں۔ ان میں پاکستان کے چار وزراء اعظم سید یوسف رضا گیلانی، میاں محمد نواز شریف، میر ظفر اللہ جمالی اور معین قریشی شامل ہیں۔ پہلے پاکستانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، پنجاب کے وزیر اعلیٰ پیا شہباز شریف، دیگر اعلیٰ شخصیات میں سر گنگا رام، ڈاکٹر سمر مبارک من، ڈاکٹر اشفاق احمد خان، اردو کے نامور شاعر اور ادیب فیض احمد فیض، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، خوشوت سنگھ، نامور قانون دان ڈاکٹر جاوید اقبال، وسیم سجاد، اعجاز برطالوی، ڈاکٹر خالد رانچا، شعبہ صحافت سے احمد رشید، خالد احمد، فنکاروں میں بلراج ثانی، دیوانند، خواجہ خورشید انور، شفقت امانت علی خان، حدیقہ کیانی، امجد پرویز اور کرکٹ سٹارز میں ماجد خان، عبدالقادر، انضمام الحق، عامر سہیل اور رمیز راجہ شامل ہیں۔ گورنمنٹ کالج کے طالب علم راویین کہلاتے ہیں۔ اسی نام سے کالج کا جریدہ بھی راوی 1906 سے باقاعدگی سے شائع کیا جاتا ہے، جسے نہ صرف طلبہ میں بلکہ علمی اور ادبی حلقوں میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی سربراہی میں سابق طالب علموں کی تنظیم اولڈ راویین یونین بھی قائم ہے، جو یونیورسٹی کی ترقی کے لیے مالیاتی اور دیگر معاملات میں بھرپور تعاون کرتی ہے۔ یونین کے تحت اکثر یونیورسٹی کے اندر تعلیمی، سماجی اور ثقافتی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ تقریبات اولڈ راویین کے باہم مل بیٹھنے کا بہانہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور نے 1864 میں جب آغاز سفر کیا تھا تو اس وقت کالج میں صرف 6 مضامین میں تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ اس وقت 3 اساتذہ اور 9 طالب علم داخل ہوئے تھے۔ آج ان میں شعبوں کی تعداد 50 ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی نے منتخب شعبوں میں BA، BSc 4 سالہ آنرز اور MA MSc اور MBA، MPhil اور PhD تک تعلیم کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وہ شعبے جو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں، ان میں میتھمیٹکس سر فہرست ہے، خاص طور پہ اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز جو ہم نے اپنے دور میں اسٹیبلش کیا، اس میں PhD اور پوسٹ ڈاکٹورل ورک ہوتا ہے، اور اس میں دنیا کے نامور حساب دان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈیز ان فزکس ہے، کیمسٹری میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹڈی سینٹر ہم نے نیا اسٹیبلش کیا، انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، سوشل سائنسز میں اکنامکس اور سائیکالوجی، اور ایک نیا یونٹ کلینیکل سائیکالوجی کا بنایا۔ جی سی یو میں اس وقت انٹرمیڈیٹ سے PhD تک مختلف درجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد 6000 سے تجاوز کر چکی ہے۔
इनमें 2038 तालिबात और 4426 तलबा शामिल हैं। यूनिवर्सिटी में 437 से ज्यादा नहायत आला तालीमी काबिलियत के हामिल मर्द और खवातीन असातिज़ा तालिबे इल्मों की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। इनमें से 146 असातिज़ा PhD डिग्री के हामिल हैं। इनके अलावा बड़ी तादाद में गैर मुल्की विजिटिंग प्रोफेसर भी आला तालीम के प्रोग्रामों और रिसर्च के सिलसिले में तलबा की रहनुमाई करते हैं। रिसर्च के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को हमेशा से इम्तियाजी हैसियत हासिल रही है। अपने तहकीकी मेयार को बरकरार रखने के लिए GCU में रिसर्च की सहूलियात पर खास तवज्जो दी जाती है। यही वजह है कि तमाम शोबों में मौजूद लेबॉरेटरियों में रिसर्च के लिए जदीद तरीन आलात मुहैया किए गए हैं। इसकी एक मिसाल एडवांस स्टडीज इन फिजिक्स सेंटर, जिनमें लेजर लैब, प्लाज्मा फोकस लैब, नैनो टेक्नोलॉजी लैब, एक्सेलरेटर लैब, मटीरियल लैब और कंप्यूटर लैब्स शामिल हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 1956 में दाखिल हुआ फर्स्ट ईयर में, और 6 साल तालीम हासिल करने के बाद MSc फिजिक्स रोल ऑफ ऑनर के साथ 1962 में फारिग हुआ। हमारे असातिज़ा ने हमें हाथों से प्रैक्टिकली सब कुछ खुद करने की एक तालीम दी। हम चीज़ डिज़ाइन भी करते थे और सब अपना ऑपरेटर्स बनाते भी खुद थे। ये चीज़ जो है ये बाद में ज़िंदगी में बहुत काम आई। जब चागी में एटॉमिक टेस्ट हुए, तकरीबन 140 लोग थे, इसमें से तकरीबन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के 50 स्टूडेंट्स थे। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब एटॉमिक टेस्ट हुए तो नेशनल अवार्ड्स दिए, तो तकरीबन 40 लोगों को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। लाइब्रेरी के बगैर इल्म व आगाही का तसव्वुर ही बेमानी हो जाता है। GCU में भी एक लाइब्रेरी है जो 1872 में बनी थी, जिसके 3 सेक्शंस हैं, जिसमें शोभा जाती लाइब्रेरीज, मेन लाइब्रेरी और पोस्ट ग्रेजुएट लाइब्रेरीज हैं। 1931 में लाइब्रेरी की इमारत का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद गवर्नमेंट कॉलेज के 100 साल जश्न के मौके पर लाइब्रेरी की तौसी की गई, और फिर 1993 में मरकज़ी लाइब्रेरी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। मैनुअल सोर्सेज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के एतबार से भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इस वक्त इसमें 30,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स दस्तयाब हैं। इनमें किताबों का वो ज़खीरा भी शामिल है जो मुख्तलिफ फिल्मी और अदबी शख्सियात ने यूनिवर्सिटी को बतौर अतिया दिया। जिसे यूनिवर्सिटी में नकूश म्यूज़ियम के नाम से नायाब दस्तावेजात को महफूज करने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। इस सिलसिले में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब समेत उर्दू अदब के अक्सर मशाहिर के नादिर खतूत को डिजिटाइज करके महफूज कर दिया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो मेरे 4 साल है वो ऐसे मुझे याद है कि एक लंबा सा दिन है जो पढ़ते पढ़ते ही गुजर गया। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में स्पोर्ट्स में मैं था, बैडमिंटन, टेनिस और बिलखसूस बास्केटबॉल और क्रिकेट में, लेकिन ज़्यादा बास्केटबॉल में था। लेकिन इतना कंपेटिटिव माहौल था कि पढ़ाई में ज़्यादातर वक्त गुजरा। जो मैंने सीखा पढ़ा वो सारी लाइफ में प्रैक्टिस करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने फील्ड अडॉप्ट की वो थी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। बेशुमार पोस्टिंग्स थी जिसमें मुझे सक्सेस हासिल हुई। मैं तमाम सक्सेस अपनी एजुकेशन और गवर्नमेंट कॉलेज को एट्रीब्यूट करता हूँ। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। सिर्फ और सिर्फ मेहनत से हम अपना लोहा मनवा सकते हैं। और तलबा को मेहनत करनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट में हो, जिस अदारे में हो। एक क्लिशे है ना कि 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है।
जी सी यू में जूलॉजी म्यूजियम भी एक खास अहमियत का हामिल है, जहाँ बहुत से जानवरों को जिनमें नायाब जानवर भी शामिल हैं मनूर और महफूज करने का एहतमाम किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीमी रिवायात अकीदे, रंग, नस्ल और तबके के इम्तियाज से पाक रहकर इंसानों की खिदमत करने से इबारत है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वतन अजीज के उन तालीमी इदारों में शामिल है जो बेहतर पाकिस्तान की तामीर के लिए रोशन दिमाग और बुलंद निगाह की हामिल नस्ल तैयार करने में सरगर्म किरदार अदा कर रही है। खुदा करे कि ये जन्नत हमारी ऐसे ही कायम रहे और आने वाली नस्लें जो है इससे मुस्तफीद हो सके।